Vayam Prabha, Digital India, Educated India. चिवा मीनासान नमस्कार आज के हमारे इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है और हम उम्मीद करते हैं आशा करते हैं कि आप लोग जो अभी तक आपने जापानी भाषा पढ़ी है इन लेक्चर्स के जरिए उसका आप अभ्यास भी करते हैं घर जाकर अपने मित्र के साथ और इन लेक्चर्स से आपको मदद मिल रही है आपकी जो छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ थी भाषा समझने में वो अब क्लियर हो रही हैं और आपकी भाषा बेहतर हो रही है तो हम लोग पिछले अपने लेसन्स में हम लोगों ने कोतो का प्रयोग करके वर्ब के साथ बहुत कुछ किया है बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है तो आज भी हम लोग कोतो ही करेंगे लेकिन इन सब चीज़ों का जो हमने करी हैं उनको हम थोड़ा कंपेयर भी करेंगे कुछ उसमें नया भी करेंगे और कोतो को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वाक्यों के जरिए और छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस के जरिए तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आज क्या है तो देखिए हम लोग कोतोगा का जो कि क्षमता बताता है कोतोगा अरु अवसर बताता है कोतोनी सुरु निर्णय आपका बताता है कोतोनी नारु कोई बदलाव जो है किसी वस्तु में या व्यक्ति में वो बताता है और कोतो जो कि अपने आप में एक वस्तु है या चीज़ है देखिए कोतो एक संज्ञा है जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं और भाषा में इसका प्रयोग जो है बहुत प्रकार से किया जाता है कोतो को हम लोग कोई ठोस वस्तु या चीज़ की तरीके से नहीं समझ सकते हैं कोतो को एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में ही हम समझ सकते हैं ये अप्रत्यक्ष है जो कुछ दिख रहा है हो रहा है ऐसा कोतो से कुछ भी नहीं समझ में आता है ना इसको हम देख सकते हैं ना हम मेजर कर सकते हैं नाप तोल सकते हैं तो ये सब बातों के बाद और भी हम लोग उलझ गए और समझ में नहीं आ रहा है कि कोतो अब है क्या तो देखिए कोतो का वास्तविक अर्थ अगर हिंदी में हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे अनुवाद करेंगे तो वो बात के रूप में समझ में आता है अब बात से आप समझेंगे कि ये कोई क्रिया है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है बात करना जो कि एक क्रिया है उसके रूप में इसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है बल्कि आप बात यानी कि आप कोई घटना के बारे में बात कर रहे हैं कुछ घटित हो गया है या कोई बात कोई वार्तालाप कोई इंसिडेंट जो है वो हुआ है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो बात है और वो संज्ञा के रूप में प्रयोग में आता है तो देखिए जैसे कोई चीज़ है या किसी ने पूछा क्या बात है क्या हो रहा है या भाई क्या समस्या है तो इस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेज़ी में हम इसको कह सकते हैं कि थिंग है या कोई मैटर है यानी कि कोई बात है कोई समस्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई वाकया हो गया हो और कोई उसके बारे में पूछ रहा हो तो क्या बात हो गई भाई तो उसको कोतो के रूप में हम लोग बताएंगे तो अब हम लोग सबसे पहले कोतो को जो है उसका जो वास्तविक अर्थ है बात या कोई वाकया उसका प्रयोग करके देखते हैं कि ये क्या बनता है तो देखिए दो नको तो इंटोनेशन यहाँ पे राइजिंग है ऊपर उठा हुआ है दोनों को तो दस का आप किस बात के बारे में बात कर रही हैं किस बात के बाबत बात हो रही है क्या हुआ है ऐसा जिसके बारे में बात हो रही है कौन सी बात के बारे में आप बात कर रही हैं तो दोन को तो अब देखिए सोन्ना हिदोई कोतो वा मो शिनाई दे कौन कोना सोना आना किया है तो सोना उस प्रकार का हिदोई कोतो यानी कि बहुत वारुई बात कोई बहुत ख़राब बात कर रहा है कोई वाक्य बता रहा है या किसी ने कोई बहुत ख़राब बात करी है उसके रिस्पांस में अपना ओपिनियन देना तो सुनना हिदोई कोतवा मोशनाई दे कोदास यानी कि अब इतनी ख़राब बात आप ना करें सो ही बेहतर है कृपया करके आप ऐसी बात ना करें दो यू तो दस का किस बात की बात कर रहे हैं आप कौन सी घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं दो यू तो दस का यू है बोलना तो दो यू को तो दस बात की बात कर रहे हैं आप किस बात के बारे में बोल रहे हैं आप तो दो यू को तो दस का ई को तो शेमश्ता ई माने गुड अच्छा को तो बहुत अच्छी बात बताई है किसी ने तो अब आप बार बार देखेंगे कि यहाँ पर बात आ रहा है वर्ब के रूप में नहीं संज्ञा के रूप में आ रहा है इसका प्रयोग किया जा रहा है अनाथा तो हनास को तो अरिमा सेन आपसे मुझे बात करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और मेरे पास कुछ बात करने के लिए भी नहीं है अनाथा तो हनास को तो अरिमा सेन आपसे मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है आपसे मुझे बात करने के लिए कोई बात बची ही नहीं है तो इस प्रकार से आप कोतो का प्रयोग कर सकते हैं उसके वास्तविक अर्थ से अब देखिए एक छोटा सा कायवा है सिचुएशन है मिनासान सान वकारी का आप सबको समझ में आ गया तो बीसान या ग्रुप में जो भी बैठे हैं उन्होंने कहा सुमीमा सेन वकार गा थकसान रिमास यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं समझ में आई हैं। तकसान माने बहुत तो इस प्रकार से भी कोतो का प्रयोग किया जाता है इसको और डिटेल में अभी हम लोग अपनी अगली स्लाइड में करेंगे रावसान तो ना शिमशता तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर ना एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग किया गया है दाई कोतो बहुत जरूरी जो बात थी वो मैंने सब कह डाली जैम्ब माने सब कह डाली है बता डाली है अब यहां पर एक शब्द है योकात्ता देखिए ये जो योकात्ता शब्द है ये आता है शब्द यो ई से यो ई योई माने ई माने अच्छा और जो योई शब्द है वो फॉर्मल है पोलाइट है और ई जो है जो हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वो कोलोकियल है यानी कि इनफॉर्मल है और आपस में दोस्तों में हम उम्र में ज़्यादा प्रयोग में आता है इसका पास्ट जो है वो क्या है यहाँ पे लिखा है योकात्ता नेगेटिव क्या है योकु नाई और पास्ट नेगेटिव है योकु ना काता आप देख रहे हैं इसको कि ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं इसमें कोई फर्क नहीं है बस फॉर्मल और इनफॉर्मल है ये एक एक्सेप्शन भी है आपको पहले भी बता चुके हैं ये एक एक्सेप्शन भी है इसको ऐसे ही याद करिएगा और देखिए वाता शिवा करा शुरू को तो गा अरिमा मेरे पास कल से कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है शुरू कोतोगा अरिमा सेन करने के लिए कोई भी काम नहीं है अब यहां पे आप देखेंगे ये वर्ब्स के साथ प्रयोग हो रहा है ये और ये देखिए वर्ब्स के साथ हो रहा है ये भी आपको बिल्कुल वर्ब्स के साथ ही दिखेगा या सुमीनोनी था कोतोगा इपा या या सुमिनोहिनी या कोतोगा इपाइडस यानी कि करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा है तो इस प्रकार से नाउन वर्ब और ना एडजेक्टिव के साथ आई एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग किया जाता है अब देखिए अब नाउन नो को तो इसका क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है नाउन के बारे में बात करना जैसे कि राव सानवा दाएगा नो को तो वसुरे रारे नाय या राव सानवा दाएगा नो को तो वो कुश तेमस राव सान को जो है दाइगाकू के बारे में बहुत सारी बातें पता है तो यहाँ पर दाइगाकू जो है वो नाउन है तो दाइगाकू नो को तो अब अनोहितो नो को तो रारे रा नाई यानी कि मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा हूं तो वहां पर भी आपको नाउन दिखेगा कोतो से पहले नाउन का प्रयोग किया गया है या आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पिकनिक नो कोतो ओ वासुरेते कुदासाई। अब पिकनिक के बारे में आप बिल्कुल भूल जाइए एक तो ये इसका अर्थ निकल रहा है और दूसरा अर्थ क्या निकलता है निकलता है कि पिकनिक नो कोतो वासुरेते वासुरैत माने पिकनिक पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप भूल जाइए तो दोनों अर्थ यहाँ निकलते हैं अब हम लोग अभ्यास करके भी देखते हैं कि यहाँ पर नाउन के साथ कैसे प्रयोग किया गया है अच्छा ये बात भी बहुत ध्यान में रखने वाली है कि जब नाउन और कोतो का प्रयोग होता है तो वर्ब्स जैसे मास हैं या हनाशी मास है या शिमास है या ऐसे वर्ब्स यूज किए जाते हैं तो देखिए नाउन नो को तो आपके पास बहुत सारा अभ्यास है आज रावसान रावसान जो है बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं उन्हें मालूम है पता है तो तनाकासान नाउन नो को तो नाउन के बाद नो और को तो, ये ध्यान रखिएगा ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर रावसान व अमेरिका नो दायनो को तो वह तो रावसान को अमेरिका के जो दायगा उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है तो जैसा आपको बता चुके हैं अमारी के साथ हमेशा नेगेटिव यूज होता है और अर्थ भी हमेशा नेगेटिव में ही आता है कि ऐसा नहीं है नो खोतो नाउन नो खो अब देखिए तना को तो वसरे के बारे में ये भी नाउन है देखिए, नाउन नो नाउन के बारे में मैं भूल चुका हूं तो नाउन की अगर बात करें तो मैं उनको भूल गया हूं नाउन यहाँ पे क्या है यहाँ पे तनाकसान है तनासानो को तो तनाकासान के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकूंगा मुझे वो हमेशा याद रहेंगे तो यहाँ पर भी देखिए नाउन है नो कोतो उनके बारे में तो जब आप नाउन नो कोतो करते हैं तो इसमें नाउन जो है उसके बारे में बात होती है या उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है अब देखिए एक और आपके लिए एग्जाम्पल है सेंसेगा इत्ता को तो ओ ओमोदाशिमाश्ता ये वर्ब के साथ है देखिए सेंसे ने जो भी कहा वो मुझे याद आ गया और देखिए यहाँ पे इत्ता लिखा है लेकिन प्रोनाशिएशन जो है इसको जैसे बोला जाता है वो है युत्ता को तो ओ ओमोदाशि मश्ता मुझे याद आ गया ओमोई मास। उमोगी दासु। उमोगी दासु। तो ये यहां से आ रहा है राइन का आरुखारा इमा पिकनिक नो को तो ओबासना साई अब देखिए राय श्यू शिकेन अगले हफ्ते एग्जाम है इसलिए इस कारण से अभी इस समय पिकनिक नोको तो पिकनिक के बारे में बारे में वासुरेनासाई अब यहाँ पे आप वासुरेते कुदासाई भी कह सकते थे वासुरेते खुदा लेकिन हमने कहा वासुरेनासाई तो इससे क्या समझ में आता है इससे समझ में ये आता है कि जो सज्जन ये बोल रहे हैं और वो जिससे बोल रहे हैं उससे वो उम्र में ज़रूर बड़े हैं क्योंकि वासुरेनासाई जो है वो एक ऑर्डर के रूप में प्रयोग में आता है आप ऑर्डर देते हैं आप दूसरे की मर्जी और मंशा को बिल्कुल नहीं पूछते हैं और सीधे कहते हैं कि ऐसा करिए तो वासुरेना साई यानी कि भूल जाइए पिकनिक नको तो ओ वासुरेना साई और जब वासुरेते कुदा साई कहते हैं ये भी एक प्रकार से ऑर्डर ही है लेकिन इसमें कुदासाई साई भी लगा हुआ है तो पोलाइट ऑर्डर बन जाता है आप किसी और से कह भी सकते हैं ये जो नसाई है वो आप केवल अपने छोटों से कह सकते हैं जो रैंक में आपसे छोटे हों या उम्र में छोटे हों तो अब आपने देख लिया कि वर्ब ना एडजेक्टिव और नाउन के साथ कोतों का कैसे प्रयोग किया जाता है आपने एक्टिविटी भी करी है और एक्टिविटी में आपने किया है मुझे कुछ पसंद है जैसे वाताशिवा साइकिलिंग गा स्कीस मुझे साइकिलिंग पसंद है ये तो आपने एक स्टेटमेंट दिया अब अगर हम वर्ब का प्रयोग करें यहाँ तो वाता शिवा ओ सुरु कोतोगा स्कीडस यानी कि मुझे साइकिल चलाना पसंद है तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होता है ये आपने पिछले लेसन में भी किया है तो इसको बहुत डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे और उससे आप अलग अलग तरीके से देख पाएंगे कि इसका कैसे प्रयोग करके हम अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं तो देखिए आपके पास अभ्यास है ये एक्टिविटी के तरीके से कोतों को कैसे प्रयोग करेंगे शुमिवा नान देश का शुमिवा होन ओ यु कोतो देश। अब आपने यहाँ क्या किया शुमिवा होन ओ योमू और कोतो जो पढ़ने की क्रिया है जो पढ़ना है वो मुझे पसंद है किताब पढ़ना पसंद है मुझे किताबें पसंद है एक अलग चीज़ है और किताब पढ़ना पसंद है मुझे वो अलग चीज़ है अगर मोटे तौर पे लेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही बनता है लेकिन हाँ ग्रामर के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है और पहले वाक्य में वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है अब देखिए आप ये क्या कर रही हैं कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे कुछ काम कर रही हैं तो क्या है ये वर्ब क्या है बताइए जरा सा ये आपका अभ्यास है तो ये मास कर रही हैं रियोरीओ रियो स्किमास रियोरीओ स्कुरु कोतोगा स्कीस बनाने की क्रिया जो है बनाना मुझे पसंद है बनाने की जो एक्टिविटी है वो मुझे पसंद है एक और देखिए यहाँ पर आपके लिए विजुअल है और दो लोग बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे दोषी आना चाहिए बताइए ज़रा बिल्कुल सही हनासु आना चाहिए और भी कोई दोषी आ सकता है जैसे आई मास है तो हितोनी आई मास हितोनी आओ को तो गीद लोगों से मिलना मिलने की जो एक्टिविटी है वो मुझे पसंद है अब देखिए ये पढ़ रहे हैं तो खांजी ओ योमिमास खांजी ओ योमु को तो मुजुकाशी दिस अब देखिए यहाँ पे खांजी ओ योमु कोतो खांजी को पढ़ना मुजुकाशी है अब यहाँ पे वाह है इसलिए ये एक स्टेटमेंट है कांजी और योमु को तो वाह मुजकाशी दे सभी को लगता है कि कांजी पढ़ना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर हम यहाँ गा लगा दें वाह की जगह अगर हम गा लगा दें तो अर्थ क्या बनेगा बता सकता है कोई जना हमें बताइए बिल्कुल सही बात है ये कांजी और योमु को तो गा मुजकाशी दस यानी कि कांजी पढ़ना जो है वो मुजकाशी है और ये मैंने अपने आप महसूस किया है तो ये एक स्टेटमेंट बन जाता है वाह के साथ और दूसरा जो है वो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है आपका इमोशन है आपकी फीलिंग है वो भी उसमें जुड़ी हुई है कांजी ओ योमु को तो वाह मुजकाशी दस और कांजी ओ योमु को तो गा मुजकाशी दस केवल पार्टिकल को बदलने से एकदम से वाक्य का अर्थ बदल जाता है अब देखिए ये यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं तो ओयोग को तो वाह ओ तो नो शुमी या ओ तो शुमीवा तो बात है ओयोग को तो वा, तो तो वा को तो अब देखिए यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप गा यहां लगाते हैं वा और गा कॉम्बिनेशन में तो जो चीज यहां आ रही है उसका क्या अर्थ है ओतोग तो स्कीस ये तो स्की बन गया इसका बिल्कुल सही है ये आपका सब्जेक्ट है और ओतोतो तो जो हैं उनको ये पसंद है तो एम्फेसिस किस पर है ओतोतो तो पर है और यही अगर ओतोतो तो वा ओयोगु को तो गास्कीस तो ओयोगु जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है और ओतोतो तो आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं इस प्रकार से वा और गा का प्रयोग किया जाता है और क्या चीज़ वा के साथ है क्या गा के साथ है उससे सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो सुनने वाले को तुरंत पता चल जाती है तो ये एक्टिविटी के साथ आपका प्रयोग था आपने पोटेंशियल फॉर्म भी किया है कोतों से आपने एबिलिटी दिखाई है क्षमता भी दर्शाई है कि कोई कार्य करने की आप में कितनी क्षमता है पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पर कोतो का प्रयोग करके बस बहुत जल्दी से ही आपका हम रिविजन कराएंगे ये ध्यान में रखना है कि कोतों से पहले वह प्लेन फॉर्म में प्रयोग में आता है और दूसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि कोतों से पहले जो वह प्रयोग किया जाता है उसमें वाक्य के टेंस यानी कि आप समझ लीजिए वर्तमान में है या बात पास्ट में कही जा रही है पॉजिटिव है या फिर वाक्य का जो पूरा अर्थ है वो नेगेटिव है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है बल्कि वाक्य के आखिर में जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है उससे पता चलता है कि वाक्य का अर्थ वास्तव में क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव है अब आप इसको देखिए ये आपने फोटोग्राफ भी करी है पहले दो जने बात कर रहे हैं तो निहोंगो दे हनास को तोगा देखी मास या निहोंगो दे हनास को तो गा तो ये मैं कर सकता हूं मुझमे क्षमता है करने की और मैं नहीं कर सकता हूं मुझमें क्षमता नहीं है लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो हनासु है ये वैसा ही रहता है और बदलता नहीं है दे हनास को तो देखी निहोंगो दे हनास को तोगा देखी मासेन तो जो वर्ब यहां लिखा जाता है वो बदलता है ये नहीं बदलता है ये ध्यान रखिएगा 漢字をいくつぐらい読むことができますか漢字をいくつぐらい読むこといくつまで？き ıt にどうにナンバ ر めき genau ぬりましたどうにいくつぐらいあの言切れ thy hat ひとつふつみおつきついつつとついつついくつゆわにや、どのよういくつゆよむことができますか課までづ m a c h t और ये पहाड़ चढ़ रहे हैं तो बॉबसानवा तकामा नोबोरू कोतोगा देकी मास देखिए फिर यहाँ पे प्लेन फॉर्म है कोतोगा दे मास पॉजिटिव में है और नोबोरू कोतोगा तोगा नेगेटिव में है तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब एबिलिटी बताते हैं तो ये जो वर्ब है ये प्लेन फॉर्म में ही रहता है अब देखिए बहुत जल्दी से आपको एक और चीज़ बता दें कि जब आप कोई चीज़ का निर्णय लेते हैं कोई कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो भी आप कोतो का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ इसको हम पिछले अपने लेसन में भी कर चुके हैं लेकिन एक बार आज फिर से जल्दी से क्योंकि कंपेयर करेंगे आगे हम लोग जा करके तो देखिए जैसे संज्ञा के साथ नानी ओनोमीमास का एक प्रश्न पूछा गया तो आपने बहुत सीधा सा जवाब दिया बीर ओ नोमि मास या कोचा ओ नोमि मास तो मैं कोचा पीऊँगी अभी या आगे थोड़ी देर बाद नानी ओ ताबे मास का पिज़्ज़ा ओ थबे मास अब अगर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं तीन चार चीज़ें हैं या आप मेन्यू देख रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ के तो उस समय आपको पता है चार पांच चीज़ें हैं आपके पास चॉइस है तो आपसे पूछा गया है नानी ओ नोम मास का तो आपने चूज करके बताया कोचा ओ नोमिमास आपका आंसर है और जब आपने चूज किया तो आपने बताया कोचा नी शिमास जैसा कि हम लोग पहले कर चुके हैं कि हमने कोचा को चूज़ किया है हमने इतनी सारी चीज़ों में से कोचा का चयन किया है या नानी ओ ताबे मास का पिज़ा नी शिमास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने पिज़ा चूज़ किया है आज हम लोग इसी चीज को जो है वर्ब का प्रयोग करके दिखाएंगे कि वर्ब प्लस कोतोनी शुरू कैसे बनता है और ये क्या है तो देखिए जब हम कहते हैं कि बीर ओ नोमि मास तो क्या अर्थ बनता है कि हम अभी बियर पीने जा रहे हैं या हम थोड़ी देर में बियर पिएंगे या कोचा ओ नोमी मास तो हम अभी कोचा पी रहे हैं या हम थोड़ी देर में पीने जा रहे हैं साधारण सा एक स्टेटमेंट है कोचा ओ नोमिमास अब कोचा शिमास यानी कि बहुत सारी चीजों में से मैंने इसको चूज किया है इसका चयन किया है नी शिमास ये मैं डिसाइड करता हूं कि मैं ये पीऊंगा मैं बियर पीऊंगा या मैं चाय पीऊंगा और देखिए अब ये तीसरा है बीर ओ नोमु को तो तो ये यहाँ पर आप देखिए एक बिल्कुल अलग चीज़ है यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है बियर पीने का जो एक्टिविटी है पीने की जो एक्टिविटी है जो कार्य है उस पर मैंने निर्णय ले लिया है जो तीसरा वाक्य है उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है जैसा कि हमने अभी आपको बताया केवल ये एक स्टेटमेंट है यानी कि हमने ऐसा करने का सोचा है या ये आदत हमने बनाई है ये निश्चय किया है पिज्जा निशिमास हम लोग ने अभी पहले किया है तो सब चीजों में से मैंने पिज्जा का चयन किया है तो देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड में वर्ब कैसे यूज होता है इसका अभ्यास करते हैं वाता शिवा करा माए नीची मैं आज से इस समय से हर रोज सुखदाय देने के इस कार्य को लेकर के मैंने यह निश्चय किया है कि मैं दूंगा मैं हर रोज अब यह गृह कार्य दूंगा ऐसा मैंने निश्चय किया है फुतोत्ता करा मोटा हो गया हूं इसलिए माए नीची जिम ए इकु को तो या माए नीची जॉगिंग और शुरू को तो नहीं शिमाश्ता मैंने अब ऐसा सोच लिया है कि मैं क्योंकि मोटा हो गया हूं इसलिए मैं रोज ऐसा करूंगा राय गेत सुनगा अरु खरा इमा करा माए नीची जुग को जुत्सु कांजी ओबोरु को तो निशिमास आज से मैंने ऐसा सोच लिया है कि मैं रोज दस कांजी जरूर करूँगा अब यहां पर देखिए आपके पास एक जुत्सु करके शब्द है ये एक प्रत्यय है यानी कि सफिक्स है और आप देखेंगे कि नंबर के बाद इसका प्रयोग किया जाता है जब भी ये किसी शब्द में जुड़ता है तो ये उस शब्द को और अच्छा बना देता है उसका मीनिंग जो है और निखर करके आता है और बढ़िया आता है और जुत्सु अपने आप में अर्थ है ईच यानी कि हर एक प्रत्येक तो इसलिए गा आरु करा इमा करा माई नीची जुक को यो सुबोरु रुको तो नी शिमास अब देखिए आप इसको माई नीची सांझी खान गुराई बेंक्यो सुरु को तोनी शिमास मैं रोज लगभग तीन घंटे पढ़ने का मैंने डेसिशन लिया है मैंने निश्चय किया है अगले महीने मेरा इम्तिहान है इसलिए आज से ही मैं रोज लगभग तीन घंटे पढ़ने का निर्णय लेता हूँ निश्चय करता हूँ नाच सुनि ही को किनो किपुआ था का को तो को कि अंत में सब कुछ देखने के बाद फाइनली अंत में फाइनली सब कुछ देखने के बाद इकानाई कोतोनी शिमाश्ता मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं जाऊंगा करा से इन्होंने बताया है क्यों क्योंकि हिकोकी का किप्पू जो है एयर टिकट है वो महंगा है तो आप ये देखते हैं कि दोनों ही प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन ज़रूरी बात क्या है यदि आप कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं कोतोनी शुरू से पहले वह प्लेन फॉर्म में लिखा जाएगा देखिए जैसे शोगा किन्वा मादा गिंग को निहाई ते करा इमा अतराशी कंप्यूटर ओ खावानाई को तो नी श्ता इनफॉर्मल है खावानाई को तो नी शिमाश्ता की जगह शिता कर दिया है स्कॉलरशिप अभी बैंक में नहीं आई है इस कारण इस समय मैं नया कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा ऐसा मैंने निर्णय लिया है कोतोनी शुरू का प्रयोग करते समय व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से वो निश्चय करता है वो निर्णय लेता है उसकी अपनी इच्छा जो है उस निर्णय में शामिल है उसको किसी ने फोर्स नहीं किया है जबरदस्ती नहीं करी है उसके साथ तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि कोतोनी सीमाश्ता में आपकी अपनी इच्छा शामिल है उची करा दायगा कुमा दे माई नीची आरू कोतोनी शिमशता तो मैंने निश्चय किया है कि अपने घर से ऑफिस तक मैं रोज पैदल जाऊंगा देखिए ये चीज यहाँ बहुत ध्यान में रखने वाली है कि कोतोनी शुरू का प्रयोग करते समय कोई कार्य नहीं होता है केवल एक बात कही जाती है एक निर्णय लिया जाता है निश्चय किया जाता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा या मैंने सोच लिया है ये बात बहुत जरूरी है कोतोनी शुरू के साथ और आपके लिए अभ्यास है ये बहुत जल्दी से तो राइन के को कोतोनी शिमाश्ता मैंने डिसाइड कर लिया है फिर तना का सानवा फुतोत्ता करा माइनिची नीची इकु ईको को तो उन्होंने जिम जाने का रोज निर्णय ले लिया है या वो जाते हैं और क्यों करा माय नीची ओ अबिरु कोतोनी शिमास पहले शायद ये सज्जन नहीं रोज नहाते थे तो अब से उन्होंने रोज नहाने का निर्णय ले लिया है तो देखिए व प्लस कोतोनी शुरू के साथ हम निर्णय ले लिया है निश्चय कर लिया है एबिलिटी दिखाई है क्षमता भी दर्शाई है और क्योंकि अब थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं हम लोग को करने के लिए तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं अगली बार जल्दी ही फिर मिलेंगे तब तक नमस्कार धन्यवाद और खूब जापानी पढ़ते रहिए